हम लोग सरवार शरीफ से निकले हैं अब कपासन दरगाह के लिए। अब हम जा रहे हैं कपासन दरगाह पर। ये आप देख सकते हैं दरगाह के पीछे का नज़ारा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अब हम जा रहे हैं कपासन, देखो आप। कपासन पहुँचते पहुँचते हमारी शाम पड़ जाएगी आज, ये 180 किलोमीटर है यहाँ से कपासन। हमारी शाम हो जाएगी जाते जाते ही। यहाँ खड़े हैं, रास्ते में थोड़ी 10 मिनट का रेस्ट ले लिया। रेस्ट लेके अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, 10 मिनट में वापस आगे। चारों तरफ है ही नहीं यहाँ पे, तो 10 मिनट के रेस्ट के लिए फिर अब आगे निकलते हैं। पानी पानी पीने के लिए सब लोग पानी पी रहे हैं यहाँ पर। अभी यहाँ से कपासन 120 किलोमीटर दूर है, तो सब लोग पानी पानी पी ले, बोले थोड़ा गाड़ियों को भी रेस्ट मिल जाएगा 10 मिनट। आगे निकल चुके हैं, ये हमारी स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 60 की स्पीड से हम चल रहे हैं बाइक लेके। हाईवे पे भी कोई गाड़ी वगैरह भी दिख नहीं रही है, ऐसा सुनसान हाईवे लग रहा है। शायद हम पहुंच जाएंगे, 2-2.5 घंटा लगेगा हमको पहुंचने में कपासन दरगाह। रात वहाँ हम रात वहीं रह लेंगे कपासन दरगाह, फिर सुबह वहाँ से निकल जाएंगे मॉर्निंग में हिम्मतनगर के लिए। ये बहुत टाइम से मैं सोच के रखा था कि हम जाएंगे बाइक लेके अजमेर शरीफ, तो इंशाल्लाह हम जाके आए। और ये अभी अब जा रहे हैं हम रिटर्न में, अब हम जा रहे हैं घर की ओर। कपासन जाएंगे दरगाह पे, दरगाह पे से फिर उदयपुर होके हम निकल जाएंगे घर पर। बढ़िया रास्ता है, पीछे वाला जो रास्ता था वो बिल्कुल सिंगल रास्ता था वो भी, लेकिन रास्ता ख़राब था। ये भी जो कि 2 लाइन ही है, 4 लाइन तो नहीं है, लेकिन रास्ता अच्छा है, साफ रास्ता है, कोई खाड़ा वगैरह है नहीं, रास्ता एकदम बिल्कुल साफ है। ये वैसे आवाज़ तो मेरी ज़्यादा आपको सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि ये हवा का आवाज़ भी बहुत आ रहा है, इसलिए शायद आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं देगी। आपको अगर वीडियो में किसी चीज़ की भी कमी लगे तो आप हमें ज़रूर बताएं कि हमारे ब्लॉग में कौन सी कमी हुई है या नहीं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।